हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपने इस सेशन में, उसके बाद अपने इस बेहतरीन से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप फटाफट से एक बार सेशन में आ जाइए, जुड़ते जाइए, उसके बाद करते हैं अपने इस क्लास की शुरुआत। तो ये तो आपको पता ही है, मेरे बारे में कुछ जानकारियां हैं। तो हमने कहा कि आज की क्लास का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा बच्चे? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए अपने सारे दोस्तों को, सबसे पहले जितने लोग भी आ चुके हैं, और जो लोग क्लास से जुड़ते जाएंगे उनको क्या करना है, तो उनको एक काम ये करना है कि हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा, और उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, और कई तरीके से क्विजेज अटेंड किए जाएंगे, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए अटेंड किया जाएगा बच्चे, ठीक है ना? तो और देखिए, अगर आप अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी अब करने जा रहा है अपने प्राइस को हाइक, मतलब इंक्रीज। तो जल्दी से, मौका रहते ही मेरा रेफरल कोड ADK10, क्या मौका रहते ही मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले लीजिए बच्चे। इसके बाद देखिएगा, ये कुछ ऑफर है, 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो न्यू कैटेगरी आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, कॉम्बो ऑफर की बात करें बच्चे, तो कॉम्बो ऑफर जो है, कॉम्बो ऑफर की बात करें तो कॉम्बो ऑफर आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वही मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करते हैं तो आपको इस फ्री के ऊपर मिल जाएगा 10% तक का डिस्काउंट, ठीक है दोस्त? चलिए इधर देखिएगा, तो हर एक संडे को सुबह 10 बजे आप मॉक टेस्ट दिया कीजिए, जिसमें आप 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, UP SSC लेखपाल और वीडियो के भी भाई साहब मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं अनअकैडमी ने, तो आप इसको भी देखना नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ देखिए बच्चे, बैच कोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे बैच कोर्सेज हैं जो कि कुछ प्राइसेस में आपको दिखाई देंगे, जैसे कि प्रारंभ बैच है हमारा रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो कोर्स है मेरा और बॉबी सर का, लेकिन इस पर भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करने पर मिल जाएगा 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके बाद की अगर बात करें तो UP SSC वीडियो के भी कोर्सेज है 900 per month। कुछ नई कैटेगरी जो लॉन्च हुई है, जैसे कि लेखपाल, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी अवेलेबल है, बिल्कुल इतनी सी फी में, लेकिन इस पर भी आप ले सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट ADK10 अप्लाई करके। देखिएगा, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपकी जो प्राइसेस की बात करें हम अनअकैडमी में, तो ये प्राइसेस है पहले, लेकिन मेरा कोड लगाते ही आपको जो प्राइस मिलेगी आपके सामने, इस प्राइस में ओपी आ जानी है, ठीक है बच्चे? एक और न्यूज है हमारे पास कि अगर आप BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं आप हमारा कॉम्बो कोर्स, ठीक है? तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, जिसको आप देख करके, समझ करके और सब्सक्रिप्शन की तरफ, प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जरूर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 58 है, आप उठा करके देख लो, आप चाहे तो गूगल कर लो, उठा लो अपने क्वेश्चंस में और देख लो कि क्या मैं झूठ कह रहा हूं क्या। चलो धीरज, गुड इवनिंग शिवा, स्टडी विद, सॉरी सर हम क्लास शेयर नहीं कर सकते वरना सभी का सिलेक्शन हो जाए। अरे यार, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, अगर आज तुम यहां पे इस क्लास को नहीं शेयर करोगे तो वहां पर कैसे आप वो करोगे बताओ, उनसे लड़ोगे? आप यहां पर देखोगे ना कि यहां पर अगर 100 लोग देख रहे हैं क्लास में, तो आप उन 100 से सबसे आगे बढ़ो, भीड़ को और बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ भाई कोई मतलब ही नहीं होता भीड़ का, है ना? क्योंकि उस भीड़ का आधे स्टूडेंट तो पढ़े ही नहीं होते हैं, ठीक है? खैर, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तुषार, ऋतिका, पवन, गुड इवनिंग, धर्मराज यादव, बहुत शानदार बच्चे, ठीक है ना? और 10,000 सब्सक्राइबर अगर आप आज की क्लास में कर लोगे, वैसे नहीं होंगे, मुझे पता है आप पे थोड़ा पूरा भरोसा है। चलो जी, प्रदुमन, रूबी, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। पहला ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दिया, और बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन दिया, कैसे? तो MUSIC, क्या? म्यूजिक को कोड किया है दोस्तों SZWLE से। तुम्हें कल की क्लास में एक बात याद होगी, मैंने क्या कहा था कि चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में, हमें आता हो या नहीं आता हो, उसके ऊपर
उसके पोजीशंस को पहले लिखेंगे बिना सोचे समझे। तो यहां पर लिखो 13, यहां पर लिखो 21, यहां पर लिखो 19, यहां पर लिखो 9 और यहां लिखो 3। इधर लिख दो दोस्तों 19, यहां लिखो 26, यहां लिखो 23, यहां लिखो 12, यहां पर लिखो 5। ये देखो 3 से 5 प्लस का 2, 9 से 12 प्लस का 3, 19 से 23 प्लस का 4, यहां पर प्लस का 5 और यहां पर प्लस का 6। तो क्या लॉजिक लगा, पीछे से प्लस 2 से शुरुआत करते जाओ, तो ई में प्लस 2 जो 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, इसमें प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आर, कितना आ जाएगा आर। तो देखो आर जी कहां है, तो यहां नहीं है, गलत, यहां नहीं है बच्चे, गलत। अब देखो फिर एन में 4 जोड़ोगे तो 18 पर फिर से आर आएगा, तो डबल आर, यहां पर भी डबल आर, ठीक है। फिर देखो 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 पर एफ आएगा, लेकिन यहां पर ई था, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। चलिए सिद्धि के क्राइम अलर्ट उत्तर प्रदेश कानपुर नगर से प्रणाम, प्रणाम बच्चे प्रणाम। लेकिन आप सब आंसर करो फटाफट से और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो, 60 लोग पहुंच चुके हैं क्लास को, पहले तो 150 के पार ले जाना, जैसे आपने कल की क्लास में हमें प्यार दिया ना, हमें जो इज्जत दी, उस अगर इज्जत उस प्यार को अगर आप बनाए रखोगे तो यकीन मानो हमने इतनी मेहनत कर देनी है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें किसी दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, है ना। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, बस एक इंसान हमारे ऊपर भरोसा करके देखो हमारे इस चैनल पर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से बच्चे, 9, 16, 24, 33 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर देखोगे तो 9 लिखो, यहां पर 16 लिखो सर जी, यहां 24 लिखो, यहां 33 लिखो। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आया, फिर 54 आया, फिर अगले क्वेश्चन पर आपको बताना है कि क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओगे। तो देखो सर इस क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लेना, और यकीन मानो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का डिक्टो पेपर है, हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, एक सिंगल डिजिट का भी बदलाव नहीं किया है आपके इस सेट के अंदर, इतना पेपर हल्का हल्का आता है। तो यकीन करो अगर आप ढंग से पढ़ लो ना थोड़ा भी लेवल अप करके, तो नौकरी पक्की है इस बार जो अभी वैकेंसी आने वाली है। तो देखो 9 और 6 कितना, 9 और 7 कितना हो जाता है, तो 9 और 7 16 हो जाता है सर। 16 को 24 बनाने के लिए प्लस में क्या करना पड़ेगा 8, 24 को 33 बनाने के लिए प्लस में क्या करना पड़ेगा तो 9। अब पता है सर अगले को 10 कर देना है, तो 33 और 10 कितना हो जाएगा 43। इधर देखो बच्चे प्लस में 11 है, तो अगला प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और प्लस में 12 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। तो बताओ 43, 66 ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 43, 66 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुरभि का आंसर सही है, अभिषेक का आंसर, अभिषेक बच्चे 43, 65 चालान कट गया। अगर तुमने इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी गलत करने लगना है तो तुम्हें मुर्गा बना देना है टांग ऊपर करके, सच बताए यूं नचाना है, यूं ऐसे ही हवा में और छोड़ देना है, कहां गिरोगे जाकर पता ही नहीं चलेगा नालायक। चलो आप कह रहे थे कि लुसेंट की बुक से क्वेश्चंस कराएंगे, बच्चे शाम को 6 बजे कराया है, आप लोगों ने उसमें साथ नहीं दिया इसलिए मैं 20 मिनट में क्लास छोड़ दिया था, ठीक है। राधे राधे रवि बच्चे ऋषिकेश, चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन में बोला क्या, 10, 10, 20x, फिर 240, 1200 और वाई। आपसे क्या बोला है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या एक्स और वाई को ज्ञात करो, क्या एक्स और वाई को ज्ञात करो और उसके बाद वाई बटे एक्स की वैल्यू बताओ, उसके बाद बटे आपको बताना है वाई बटे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए जल्दी से बताइएगा बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। देखो 10 है, 10 है, फिर आता है 20, फिर यहां पर आता है एक्स, क्या आता है दोस्त यहां पर आता है एक्स, फिर आता है आपके सामने लाडलो 240, फिर आता है आपके सामने कितना तो 1200, और फिर आता है आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क। देखो क्या लॉजिक है, सुनो गौर से देखो, दिमाग को चलाकर रखना। देखो 10 में 10 को किया तो मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ, 10 में 20 को किया तो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, सर जी हम यहां पर इंटू का 3 कर देते हैं तो 20 दिया कितना हो जाता है 60। अब देखो 60 में 4 से गुणा करोगे तो 240, 240 में 5 से गुणा करोगे तो 1200, और यहां पर 6 से गुणा कर दोगे तो 1256, 1200 वैल्यू आ गई। तो देखो x आया 60, y आया 7200, और तुमसे y बटे x पूछा है तो y कितना था हमारे सामने, तो y निकला है 7200 बटे में x कितना है हमारे सामने 60, इसको इससे काट दोगे तो ये कितनी बार में जाएगा,
तो 12, 25, 60, 12 चेक बेहतर बोले तो 120 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 120 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बहुत बढ़िया। अरे रवि 60 मोटी की कसम, अरे मोटी को मारोगे क्या, रोते रह जाओगे फिर अब तो है। मोटी देख लो यार कौन हो तुम, इनकी दिल जले है ये, मतलब कुछ भी। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग बच्चे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120। हेमराज बच्चे बहुत पहले ही छोड़ दिया था मैंने वहां तो, ठीक है ना। तो एक बार सेशन को आप सारे लोग मिलकर के पहले तो लाइक करो, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कराया वो क्लास को लाइक कर दो। अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो मेहनत, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको हमारे मेहनत पर भरोसा हो तो आप हमारी क्लास को लाइक करो और शेयर कर दो, और 150 प्लस ले जाओ, 100 तो कर दिया आपने अभी, बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन पे ही आपने 100 प्लस कर दिए बच्चे। 150 प्लस का टारगेट कल की तरह रख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन ने क्या कहा। देखो 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14, तो सिमिलरली ऐसे ही पेयर यहां पर कौन सा आएगा, सेम इसी तरीके का ऐसे ही पेयर यहां पर कौन सा आएगा, तो समझना। देखो समझना गुरु जी, 11, 7, 11, इसके बाद क्या आया 8, 12, फिर देखो क्या आया दोस्तों 9, 13, फिर क्या आया 10, 14। सर कितना आसान यूपी पुलिस ने पूछा, 8, 9, 10 तो अगला 11 कर दो, इधर 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 के बाद क्या कर दो 15 कर दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 11, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 11, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, आगे बढ़ जाइए। बताइएगा क्वेश्चन ने क्या कहा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, मतलब कि जो इसमें लॉजिक है ना, जो सी एफ आई एल ओ में लॉजिक है, ठीक ऐसे ही लॉजिक आपको बताना है इन चारों में से किसमें होगा। जो लॉजिक लाइड लो इसमें दिया गया है, यही सेम लॉजिक आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें होगा। अब कोई भी लॉजिक ढूंढने लगो, देखो क्वेश्चन ने कहा सी एफ आई, क्या सी एफ आई एल और ओ, तुम्हें पता है सर ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है। लॉजिक तो पक्का समझ में आ गई कि सर सब में प्लस 3 का डिफरेंस होना चाहिए, सब में गुरुजी 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें 3-3 का डिफरेंस हो। इधर देखो ये 12 पर होता है, ऐसे लिख लो 12 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये कितने पर होता है 19। देखो यहां पर 4 का डिफरेंस गलत कर दो, इधर देखो ये 12 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 19 पर होता है, 4 का डिफरेंस गलत कर दो, ये 12 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 21 पर होता है, ये 24 पर होता है। सर सबके बीच में 3 का डिफरेंस आया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबके बीच में 3 का डिफरेंस आया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया शानदार, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, है ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था बच्चे ये वाला। तो एक बार सेशन को बच्चे फटाफट से पहले लाइक करो, सारे लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो, और सेशन को शेयर करो। 150 प्लस का टारगेट है आज की भी क्लास का, अगर आप फुलफिल कर देते हो तो इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए सब कुछ आपके हाथ में है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि ए ए बी एफ के बाद इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सर जी ए ए बी एफ के बाद आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी, फटाफट से सॉल्व करेंगे। आप सोचिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पैटर्न लगा है सर, जिसमें डबल ए कर दिया, एफ कर दिया, बी कर दिया, क्या पैटर्न है सर, कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है। एक को एक बनाया तो गुणा एक किया, एक को दो बनाया तो गुणे दो किया, दो को छह बनाया तो गुणे तीन किया, तो गुरु जी अगले में गुणे का 4 कर देना, और बताओ 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, तो 6 × 4 कितना, तो 24, और 24 पर क्या होगा तो x, 24 पर क्या होगा तो x, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 24 पर क्या होगा तो x, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अतुल ठीक है, छोड़ दिया आज मेरे बाद, आप मुझे कहां छोड़ दिया, अरे बच्चे मैं कहीं नहीं छोड़ा था, आप मुझे ढूंढ नहीं पाए थे, है ना, मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए परमानेंटली क्लास चाहे यहां पर चाहे अपने चैनल पर लेकर के रहा था, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत शानदार, अल्टीमेट ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है ये रहा, जल्दी से बताएंगे ए जेड वाई बी क्वेश्चन मार्क, क्या
क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू डी और ये भी क्वेश्चन मार्क, आपको बताना इस दोनों जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो देखो सर, इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ए पहले पर होता है, यहां बी दूसरे पर होता है, यहां पर देखो डी तीसरे पर होता है, बस पैटर्न का बदलाव है और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो सर, पहले पर ए था फिर बी हुआ है ना, फिर अब यहां पर पहले पर सी हो जाएगा फिर डी आया, फिर देखो जेड हुआ वाई हुआ, तो अब यहां पर क्या पुट करो, एक्स पुट करो। अब देखो ए बी सी डी, तो यहां पर फिर से लिखो ई और इसका ओपोजिट लिख दो कितना, तो वी, तो ई वी सी एक्स ई वी कहां है, तो सी एक्स ई वी कहां है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सिर्फ और सिर्फ प्लेस को देखना है, अरे डी वालों का चालान कट गया, फिर से समझना। इधर देखो ए, ए के बाद बी, अब बच्चे यहां पर ए है शुरुआत में, ये लास्ट में है, तो अब शुरुआत में है तो होगा, फिर देखो डी लास्ट में है तो ई शुरुआत में होगा, फिर देखो अब सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा वी, तो सी एक्स ई वी ऑप्शन नंबर बी में था, सी एक्स ई वी ऑप्शन नंबर बी में था, है ना बच्चे। बी वालों का गलत हो गया पूरी तरीके से। सर मेरा नाम ले लो अभिषेक चौधरी, बिल्कुल बच्चे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं होता कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, आपके कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं आप सबके कमेंट्स को देख रहा हूं, बस आप पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से आंसर देते रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए बच्चे, पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए जरा। क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, क्या यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर में है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी के पश्चिम में है, तो आपको बताना है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S का, S में बोला कि Q के संदर्भ में S किस दिशा में है। भाई साहब ये डायरेक्शन का कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में बहुत कम पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ना, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, 2018 का पेपर है, 2018 का था ना पेपर, कब का, 2019 का था, 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसका है बच्चे। चलो देखो समझना भाई साहब, P परसेंटेज Q, तो आप परसेंटेज की वैल्यू को देखो क्या कह रही है, तो A परसेंटेज B कह रहा है A B के पूरब में है, तो यहां पढ़ो P Q के पूरब में है, तो यहां पढ़ोगे P Q के पूरब में है, तो Q ये हुआ और ये कौन हो गया, तो P हो गया, कौन हो गया, P हो गया, फिर पढ़ो प्लस वाला सिंबल, फिर पढ़ो प्लस वाला सिंबल क्या कह रहा है, तो A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में है, ये जो Q है दोस्तों ये R के उत्तर में है, तो R का उत्तर ऊपर की तरफ होगा, तो Q R के उत्तर में है। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो माइनस वाला सिंबल क्या कह रहा है, कि A B के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में है, अब ये जो R है ये S के पश्चिम में है, तो S को यहां रखोगे तभी तो इसका पश्चिम ये R हो जाएगा। आपसे पूछा Q के संदर्भ में S किस दिशा में है, तो Q से S, Q से S बताओ ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है सर, तो ये दक्षिण होता है और ये पूरब होता है, तो इसके बीच को अपन दक्षिण पूरब का नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इसके बीच को अपन दक्षिण पूरब का नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताओ जी, बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज राइट, बहुत शानदार, ग्रेट। चलिए तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप सारे लोग मिलकर के, थोड़ा सा दम लगा दीजिए, 150 पार करना है आज क्लास को, है ना, 150 क्रॉस करना है, बस आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक, सब कुछ आपके हाथ में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी डेली होती है क्लास 9 बजे, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक सुबह, क्या एक सुबह एक्स, एक्स किसका, तुम्हारे वाला एक्स नहीं और तुम्हारी वाली नहीं, वो दूसरा एक्स बंदा है कोई, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, भाई साहब सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाईं मुड़ा, तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, जल्दी से बताओ, डायग्राम मत बनाना। देखो एक सुबह एक्स जो है वो सूरज की ओर चलना शुरू करता है, मतलब सूरज किधर की तरफ उगता है भाई, तो पूरब की तरफ। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक सुबह एक्स सूरज की ओर चलना शुरू करता है, मतलब पूरब की तरफ, वो सूरज की तरफ चलने से पहले
फिर से एक बार दाई ओर टर्न लेता है राइट, फिर लगातार दो बार बाई ओर मुड़ता है, दो बार बाई ओर मुड़ता है, तो पूछा कि अब वो किस दिशा में है, तो एक राइट को एक लेफ्ट से काटो। और बताओ बच्चे अगर आप पूरब में हैं, क्या अगर आप पूरब में हैं यहां पर, तो आपका बायां क्या होगा, तो आपका बायां हमेशा उत्तर होगा, आपका बायां हमेशा उत्तर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राधे राधे देव बच्चे, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, तो ए होगा, ठीक है ना। डी वालों का चालान कट गया, डी वाले बिल्कुल गलत हो गए, डी वालों का चालान कट गया बच्चे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चनों में बिना आप पेन टच किए आंसर कर सकते हैं कि सूरज एक्स सुबह ने, मतलब एक्स सूरज की तरफ चलना शुरू करता है, तो सूरज उगता है किधर की तरफ, पूरब की तरफ सुबह के टाइम। भाई पहले वो राइट टर्न लिया तो राइट लिखा, उसके बाद दो बार बाएं मुड़ गया तो एक बार लेफ्ट एक बार लेफ्ट, राइट लेफ्ट को हमेशा काट देते हैं, जो बच जाता है, मतलब एक राइट का मतलब होता है याद रखना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ो, बताओ बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, क्या पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला, तो शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, जल्दी से बताएं बच्चे, जल्दी से बताएं बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो देखिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में, सुनो मेरी बात, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है लेकिन हम इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना डायग्राम यूज किए हुए। देखो कैसे, यहां पर लिखो एनई एस डब्ल्यू, यहां पर लिखो बच्चे एनई एस डब्ल्यू, मतलब हिंदी में लिख दो उत्तर, यहां लिखो पूरब, यहां लिखो दक्षिण और यहां लिखो पश्चिम। पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, कहां पश्चिम में 90 फीट गया, तो सर जी पश्चिम के नीचे यहां पर क्या लिख दोगे 90, पश्चिम के नीचे यहां पर क्या लिख दोगे 90। फिर देखो यहां से वह दाएं मुड़ता है, तो बताओ जब पश्चिम में होगे तो पश्चिम का दाया क्या होगा उत्तर, सुनो पश्चिम का दाया क्या होगा उत्तर, और कितना जाता है तो 20 फीट गया, ओके। फिर देखो फिर से दाएं मुड़ता है और 30 फीट जाता है, तो भाई उत्तर का दाया क्या होगा पूरब, और कितना जाता है तो 30 फीट जाता है। इसके बाद वह चाचा के घर पहुंचा लेकिन पापा उसके नहीं मिले, फिर वो वहां से दक्षिण की दिशा में 100 फीट गया, तो भाई साहब दक्षिण की दिशा में 100 फीट गया, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, क्वेश्चन में जो दिया है उसको वैसे ही लिख दिया, अब कुछ नहीं करना अल्टरनेट ले लो भाई। 20 में से 80, मतलब 20 में से 100 या 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा, 20 और 100 में बड़ा कौन सा है, तो सर जी 100 बड़ा है तो यहां पर लिख दो इसका दक्षिण, क्या लिख दो दक्षिण। भाई 30 में से 90 घटाओगे तो क्या आएगा 60 आएगा, बड़ा कौन सा है 90, तो 90 के साथ लिख दो पश्चिम। आपसे अगर पूछता कि अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है तो आंसर आप बोलते दक्षिण पश्चिम, आंसर क्या बोलते दक्षिण पश्चिम, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि अब वो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है।
चलिए जल्दी से बताएं क्या। ठीक है गुड। चलो देखो, तो मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि यहां पर दक्षिण पश्चिम तो हमारा होगा ही, अब दूरी निकालना है तो आप रूट में ये वैल्यू लिखो कितना, तो 80 का स्क्वायर प्लस में दूसरी वैल्यू कितना, तो 60 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 × 28 कितना हो जाएगा 6400, और प्लस में ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। मतलब ये अपने आप में जाएगा किसना, तो अपने आप में जाएगा गुरुजी 10000, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो 100 फिट ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 100 फिट ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं जी, समझ में आ रही है बात या नहीं। एक बार सेशन को सारे लोग पहले तो लाइक कर दो, अगर क्लास को लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आप चाहे तो डायग्राम बनाते रहो, बचपन वाली आदत, चाहे तो ये स्टैंडर्ड मेथड सीखो। आगे देखो, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अनअकैडमी का मेगा स्टोर अब खुल चुका है दिल्ली में। ये देखो, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। क्या? असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही कहते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये हम कैसे कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो शब्द होते हैं ना, ये कायरों की डिक्शनरी में होता है। जो अगर हौसले वाला होता है, जिस इंसान के अंदर हौसले है ना, हौसला है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर उसके अंदर जुनून है, अगर उसके अंदर अपना हौसला है कुछ कर गुजरने का, तो इंसान ना रह करके भी अपने पास सब कुछ दुनिया का हासिल कर सकता है। तो सिर्फ एक उम्मीद रहनी चाहिए इंसान के अंदर, एक जुनून रहनी चाहिए इंसान के अंदर कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं नहीं, ये मैं कर सकता हूं। क्योंकि इस दो स्टेटमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप किसी से ये कहते हो कि सर ये मैं कर सकता हूं, या आप उससे कहोगे कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो ये दो भावना को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि सर ये मैं कर सकता हूं, मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। लेकिन अगर आप किसी से ये बोल जाते हो कि सर ये काम सिर्फ मैं ही कर जाता हूं, इट मींस वहां पर आपका अहंकार बोल रहा होता है। और आपको अच्छे से पता है, मैंने बार बार सिखाया है कि जब भी इंसान के अंदर अहंकार होता है, तो उसी दिन से उसकी उसकी जो होती है पूरी की पूरी चीजें, उसकी जिंदगी जो होती है वो खत्म होने के कगार पे आ जाती है। तो चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाना आप अपनी लाइफ में, कब हमेशा और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहना अपने मतलब सामने वाले को, क्योंकि हमने आपको यही तो सिखाया है कि कभी भी आप अपने आप को बड़ा कब आप अपने आप को समझोगे, जब आपके सामने कोई छोटा इंसान अपने आप को छोटा ना समझे। आप अपने आंखों से हर इंसान को एक नजर से देखो, और अगर वो सारे के सारे इंसान आपकी इज्जत करने लगे हैं, इट मींस आप उस दिन बड़े हो चुके हो। ठीक है बच्चे, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला। क्या? एक्स जो है बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फिट चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फिट चला। जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 17 फिट चला। चलो देखो, एक्स जो है बिंदु ए से, भाई यहां से बी की तरफ मैंने कहा कि इधर की तरफ कहीं चला, फिर यहां से वो दाएं मुड़ा यहां पर और कितने फिट चला दोस्तों, तो 17 फिट चला। फिर वहां से देखो, फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी चला, एक दूरी चला जो ए से बी के बराबर है। ठीक है, यहां से फिर से दाएं मुड़ा और बराबर है, मतलब ये 17 चला, तो यहां पर भी 17 ही चला। फिर बोलो, फिर से वह दाएं मुड़ा और आगे 9 फिट चला, तो अब यहां से बच्चे 9 फिट चला ऊपर की तरफ, 9 फिट चला। अब आपसे क्या बोला कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो मुझे बताओ बच्चे, यहां पर बी है तो इसकी दूरी कितनी होगी, तो ये पूरी की पूरी दूरी कितनी होगी 17, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी होगी 17, और ये कितनी है दूरी में, तो 9, तो जो बच गया वो कितना, तो 8। तो बच्चे उसकी शुरुआती बिंदु से अब जो दूरी हो जाएगी वो 8 फिट की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 8 फिट की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। अरे सेशन को एक बार शेयर कर दो यार, क्या हो गया। हाँ, हमने तो तुमसे 150+ कहा था, तुम तो 100 पे लटक गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है क्या,
फिर आपके माइक की बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार चिरचिर मिरमिर हो रहा है यार, क्या करूं मैं ही प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही मैं ही हूं यार। चलो दूसरा देखो, आ जाओ यहां पर। क्वेश्चन ने क्या कहा कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में, क्या गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो क्वेश्चन कहता है कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, मतलब नहीं बनता ना। क्वेश्चन में क्या बोला कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, तो हमेशा निष्कर्ष को कथन के फेवर में होना पड़ेगा। तो जब मांग बढ़ रही है तो कम नहीं की जाने चाहिए गुरुजी, ये गलत है। फिर देखो, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, बिल्कुल फेवर में है भाई। जब मांग तेजी से बढ़ रही है तो हमें उसका निर्यात करना चाहिए जिससे हम सबको सप्लाई कर पाए। तो हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष दूसरा। ये पढ़ो, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्यान्ह भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? बताओ जी, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्यान्ह भोजन को क्या बंद कर देना चाहिए बच्चे? तो देखो, क्वेश्चन ने कहा नहीं, वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बंद कर देना चाहिए। तो नहीं, आप इसके अगेंस्ट होगे, क्योंकि जो बच्चों को खाने के पास खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रोटी नहीं, उनको कम से कम एक टाइम का खाना मिड डे मील में मिल तो सकता है ना, मिल तो रहा है ना। फिर देखो क्या बोलता है कि हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। कैसी बेतुकी बातें हैं भाई, जब हम भी स्कूल जाते थे तो हमारी मम्मी लंच देती थी, इसका मतलब क्या होता था कि हमें घर में खाना नहीं मिलता इसलिए लंच। बेतुकी बातें हैं सर, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तर्क वन मजबूत है। क्या? तो केवल तर्क वन मजबूत है। बहुत शानदार गजब, बहुत शानदार गजब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। क्या? कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो देखो, एक कक्षा है जिसमें ये सभी के सभी जो छात्र हैं ये क्या हैं? तो ये सभी के सभी छात्र जो हैं ये तीव्र बुद्धि के हैं। फिर बोलता है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, एक्स जो है ये तीव्र बुद्धि का नहीं है। आपसे बोलता है कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। देखो सर, कुछ छात्र नहीं, सारे के सारे छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये गलत हो गया। अब बोलता है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है मेहनत से रिलेटेड यहां पर। फिर बोलता है एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि सारे के सारे छात्र क्या है, तीव्र है, है ना, लेकिन एक्स अलग है। तो एक्स तीव्र गति का इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस क्लास का छात्र ही नहीं है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ओनली थर्ड। बहुत शानदार। तो ये आया हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 जो अब होने वाली है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, कोर्स ऑफ एक्शन के, उस सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। बस ये पहले प्रीवियस ईयर हो जाने दीजिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ये रहा, जल्दी से बताएं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अक्षर जो है वो वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, आपको बताना है, जल्दी से बताओ। वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, आपको बताना है, फटाफट से बताओ। चलो जी जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, या आर के बाद एस, एस के बाद टी, ऐसे कौन सा नहीं है? तो ये देखो सर, ये तो यही आ गया पहला ही। सर बी के बाद एल कहां आता है सर, किस डिक्शनरी में आता है? गलत है। इधर देखो, ए के बाद एम पी सिस्टमेटिक है, ए के बाद डबल एल सिस्टमेटिक है, बी से ई सिस्टमेटिक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत शानदार, गजब गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया आपने इसमें कि नजरों से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यकीन मानो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर वैकेंसी क्लियर करनी है ना, पेपर को फाड़ना है ना, तो दो सब्जेक्ट को तो तुम इस तरीके से घोल के पी जाओ, रीजनिंग और मैथ को, कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। बच्चे देखो, यकीन मानना, पिछले साल जो पेपर मैं करा रहा हूं 53 क्वेश्चन रीजनिंग का आया है,
अब आप सोच के देखो 53 क्वेश्चन रीजनिंग का और 18 क्वेश्चन मैथ्स का, तो यही हो गया हमारे सामने 71, और 71 दुना कर दो 142 नंबर, तो यार 300 में ये आ जाना है, और पूरे पूरे 142 कोई एक नंबर कटने का चांस ही नहीं है इस दोनों सब्जेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई वो हिंदी का थोड़ी ना है जो सर गलत हो जाएगा, जीएस थोड़ी ना है सर जो माई माइंड से स्किप कर जाएगा, भाई सेम लॉजिक चलती रहती है क्वेश्चन के अंदर, बस प्रैक्टिस मानता है ये दोनों सब्जेक्ट। और अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हमसे और बॉबी सर से जुड़ सकते हैं आगरा के अंदर ऑफलाइन क्लासेस में भी, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं जिसकी शुरुआत अभी हम 2 अप्रैल से करने वाले हैं। तो अगर आप आसपास के जिले से हो, जगह से हो, तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ो फेस टू फेस, सिर्फ 3 महीने की तैयारी, सिर्फ बच्चे 3 महीने की तैयारी और आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो आप कहना आपके अंदर का जो बदलाव होगा वो आपको खुद दिख जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब कुछ आपके हाथ में, चाहे तो बना लो चाहे तो बेकार कर दो। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन में क्या कहा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इस अक्षरों से बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द इस अक्षरों से बनाया जा सकता है, उल्टा सीधा रीअरेंज करना है बच्चे, उल्टा सीधा रीअरेंज करना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, इसको 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 रीअरेंज करना है। तो देखो सर रीअरेंज करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा DICTIONARY डिक्शनरी। देखो पता है अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है मैं मानता हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से एलिमिनेट किया करो भाई, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया करो सर, देखो डायरेक्शन के सारे वर्ड ऊपर है ही नहीं सर, डायरेक्शन के सारे वर्ड ऊपर है ही नहीं सर, ये जो है ना डॉक्ट्रिन के सारे वर्ड ऊपर है ही नहीं, एक यही वर्ड ऐसा है सर जिसमें डिक्शनरी का पूरा वर्ड ऊपर है, समझ में आ रही है बात। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया करो, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ लाडलो फटाफट, चलिए बच्चे जल्दी से बताएं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे 100 रुपए कैसे लूं, अरे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया गया था ना उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो और स्क्रीनशॉट वहां पर बात करो आप, है ना। एटीट्यूड बच्चे आपको मिलेंगे, मिले हैं शिवम को दिया था ना, भेजा था शिवम को हमने दिया है, ठीक है शिवम शर्मा और शिवम वर्मा दोनों लोगों को। चलिए इधर देखिए ए बी को एन ओ से कोड किया बच्चे, ए बी को एन ओ से कोड किया तो ये 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 15 पर होता है, तो 1 से 13 की बात करें तो प्लस में 13, 2 से 15 की बात करें तो प्लस में 13, तो इधर देखो ये 11 पर हो गया और 11 प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 पर होगा अपन का एक्स, इधर देखो यहां पर भी प्लस का 13 करोगे तो सर जी 25 पर क्या हो जाता है, तो वाई वाई और एक्स क्वेश्चन में कहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, +13 + 13 का सीक्वेंस था, +13 और +13 का सीक्वेंस था, चलो चलो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये रहा, जल्दी से बताइएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है मेरे लाडलो, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ, ये मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूं जिसको आपको क्लियर दिखे। चलो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो देखो सुनो सर जी, ये जो ट्रायंगल है ना ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है, क्यों, क्योंकि देखो सर ये पहले नॉर्थ में था, अब ये ट्रायंगल आ गया ईस्ट में, अब ये ट्रायंगल आ गया साउथ में, तो सर देखो ईस्ट में नहीं सॉरी वेस्ट में, किसमें आ गया बच्चे, अब जो ये ट्रायंगल है ये वेस्ट में आ गया, तो देखो पहले आप नॉर्थ में थे, अब आप वेस्ट में आ गए, अब आप साउथ में आ गए, तो अब इस ट्रायंगल को आपको रखना होगा ईस्ट में, मतलब ये ट्रायंगल अपनी पोजीशन को यहां पर फिक्स करेगा, तो सर यहां नहीं है गलत, यहां नहीं है गलत, यहां है, इन दोनों में से एक होगा, सुनो सुनो। अब देखो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये अपने आप को क्लॉकवाइज में बदलाव ला रहा है, ये यहां से यहां पर गया, फिर देखो यहां से यहां पर गया, यहां से अब यहां पर आएगा लाडलो, यहां से अब यहां पर आएगा कुछ इस तरीके से, अब बताओ किस ऑप्शन में, चलो जी दोनों पर है। अब देखो क्रॉस, ये क्रॉस देखो इस जगह से इस जगह आया, मतलब माइनस का 1 लाया, फिर इस जगह से यहां पर,
अब इस जगह से बच्चे यहां पर आया, माइनस का वन लाया, तो अब जो सर्कल डार्क होगा ना वो इस जगह पर डार्क होगा। और बताओ किस ऑप्शन में यहां पर डार्क है? तो सर ये ऊपर हो गया गलत, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये ऊपर हो गया गलत, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी बच्चे यकीन मानना, जब भी आपके सामने इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपके सामने सीरीज का कोई क्वेश्चन आए और नॉन वर्बल का है, डायग्राम का आए, तो आपको पता है क्या करना है, आपको डायरेक्शन पे पूरे चैप्टर को मूव कराना है। मैं आपके कल की क्लास में कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चंस ऐसे ही सीरीज फॉर्मेट में दिखाऊंगा और आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। आगे बढ़िए, ये देखिए कोई नए गोल लॉन्च किए हैं और अकेडमी ने लेखपाल और वीडियो के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अगर कॉम्बो कोर्स की बात करते हैं तो ये फ्री है, मेरा रेफरल कोड ADK10 लगा लीजिएगा। आप हर एक संडे को सुबह 10 बजे अगर टेस्ट देते हैं तो 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। टेस्ट आप बच्चे लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और वीडियो के लिए भी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर प्राइसेस की बात किया जाए तो आगे बताता हूं मैं। ये देखिए, इंतजार करना बंद करो। क्या? इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है बच्चे। अभी के समय को ही ना आपको अपने आप में सही साबित करना पड़ता है। यही हमारे मनुष्य की जिंदगी होती है, क्योंकि अगर हम यकीन, अगर इंतजार ही करते रहेंगे तो कहते हैं ना, इंतजार करने वाले को सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। और आज के टाइम में मेहनत करने वाला कुछ भी छोड़ के नहीं जाता इस दुनिया में। हर चीज जो चाहता है कि वो मेरा हो जाए। इसलिए आप याद रखना कि इंतजार करना बंद रखना है, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता। हर एक समय को सही समय बनाने की काबिलियत आप रखते हो, बसरते आप मेहनत करते रहो। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन मार्क मतलब यहां पर भी फिर से कौन सा नंबर आएगा? यहां पर भी बच्चे फिर से कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चे फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे जल्दी से बताइए। एक बार सेशन को पहले आप लाइक कर दीजिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से जल्दी से क्लास को लाइक कर दो बच्चे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से करेंगे बच्चे, फटाफट से दीजिए। तो देखो सर, तनिक जूम, अच्छा लो तनिक जूम। अब जूम अगर कराना ही है तो लो करा लो, लो जूम कर दिया। इधर से देखो भाई साहब, समझना भाई, ये जो लाइन है इस तरीके से डायगोनल है, अब ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, तो जो अब हमारा आंसर होगा तो इस तरीके से ही होना चाहिए। और क्रॉस में देखो ये है, ये है, ये तो होगा नहीं, अब इनको हटाओ। अब समझना बच्चे, समझना भाई, ये ट्रायंगल बीच में था, ये पहले पर आया, ये स्क्वायर था, ये दो पहले पे आया, है ना? मतलब बीच वाले को हम पहले पे ले जा रहे, बीच वाले को पहले पे ले जा रहे, तो अब इस बीच वाले को हम अपन पहले पर ले जाएंगे, मतलब यहां पर इस तरीके का डी होगा। देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर नहीं है, इसको काट दो। आगे देखो भाई, ये बॉक्स कहां पे जा रहा है? दूसरे पर। ट्रायंगल कहां पे जा रहा है? मतलब ये बॉक्स कहां पर गया? दूसरे पर गया, राइट? फिर से समझना, ये यहां पर गया दूसरे पर, फिर से ये कहां पे चला गया? पहले पर। तो अब जो बच्चे जाएगा, अब ये फिर से दूसरे पर ही तो जाएगा, समझना भाई। ये बॉक्स है ये वाला, ये सर से पहले पर था, अब ये दूसरे पर आया, फिर से ये पहले पर आया, तो अब यहां पर, अब ये दूसरे पर ही तो आएगा इस तरीके से। और देखो किस ऑप्शन में दूसरे पर है, यहां पर है नहीं आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहां पर है नहीं आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है? अच्छा जी, यस तिवारी, ठीक है बच्चे, फिर तो आप रोज शाम को 9 बजे आइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ग्रेट। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपसे बोला गया दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, मतलब इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, लाडलो बताओ।
इस क्वेश्चन में आपसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, क्या सीधी रेखाएं पूछा है कि बताओ दोस्तों सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में सीधी रेखाएं कितनी है जल्दी से बताओ, सीधी रेखाएं कितनी है, मैंने जूम कर दिया, जल्दी से काउंट करो और आंसर दे दो, सीधी रेखाएं कितनी है बच्चे जल्दी से बताओ। ठीक है क्राइम अलर्ट बच्चे, चलिए जल्दी से बताइए। एस सिंह हाय हाय एस सिंह, चलो बच्चे फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे। तो देखो जी सर, सबसे पहले आप लेटी हुई लाइनों को देखो, मतलब आप हॉरिजेंटल लाइनों को देखोगे, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल देखो सर, एक ये लाइन है हॉरिजेंटल, एक ये लाइन है, यहां से कितना मिला दो, यहां से कितना मिला तीन, ये कितना मिला चार, तो भाई साहब लेटी लेटी तो चार लाइनें हैं। अब खड़ी खड़ी लाइनें देखो, वर्टिकल लाइनें देखो कितनी है, सर तो वर्टिकल लाइनें देखोगे गुरुजी तो एक ये लाइनें हो गई, दूसरी ये वाली लाइन हो गई, कितनी हो गई दो वर्टिकल हो गई, दो के बाद देखोगे तो ये हो गई एक तीन, और ये एक हो गई कितनी तो चार, वर्टिकल भी चार। अब बाकी सारी की सारी डायगोनल है, क्रॉस की है, तो अब डायगोनल लाइनों को जोड़ते हैं, अब डायगोनल लाइनों को जोड़ते हैं बच्चे, ढूंढते हैं। तो देखो यहां से एक लाइन ये आया, यहां से एक लाइन ये आया, कितने हुए तो बताओ, दो हो गए, सुनते रहो, दो के बाद ये देखो कितने हुए तीन, तीन के बाद ये देखो कितने हुए चार, चार हुए, चार के बाद बच्चे ये वाली लाइन देखो कितने हुए पांच, पांच के बाद ये देखो कितने हुए छह, ये देखो छह के बाद सात, और सात के बाद आठ, तो बस आठ चार बारह और चार कितना तो सोलह, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठ चार बारह और चार कितना दोस्तों, तो सोलह, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16। तो याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपसे स्ट्रेट लाइन की डिमांड पूछे ना, अगर स्ट्रेट लाइन पूछे तो आप सबसे पहले खड़ी खड़ी लाइनें काउंट करना, वर्टिकल काउंट करना, फिर लेटी लेटी काउंट करना हॉरिजेंटल, फिर डायगोनल काउंट करना क्रॉस में कितने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। यदि एक दर्पण को रेखा एम एन, मतलब यहां पर रखा जाता है दर्पण को, यहां पर रखा जाता है बच्चे दर्पण को, तो आपसे पूछता है उसकी सही छवि क्या होगी। तो भाई साहब सही छवि बनाना है आपको अगर तो आपको सीधे सीधे क्या करना है भाई, देखो समझना, ये दूर की चीजें दूर जाएंगी, पास की चीजें पास आएंगी, तो ये वाला बॉक्स यहां पर आएगा इस तरीके से, अब ये इस तरीके से क्रॉस मारा तो आप ऐसे क्रॉस मारो, है ना, और ये देखो लाइन ऐसे है तो यहां पर ऐसे, किस ऑप्शन में, यहां पर नहीं है हटाओ, यहां पर नहीं है हटाओ, यहां पर देखो ये उल्टा बना दिया, आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहां पर देखो उल्टा बना दिया, आंसर ऑप्शन नंबर डी, देखो कितना सिंपल था बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, बी वाले गलत हो गए सरासर, पूरी तरीके से बी वाले गलत हो गए बच्चे, बी वाले बिल्कुल गलत हो गए, पूरी तरीके से गलत हो गए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ये रहा, बताइएगा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार, क्या निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार रखें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा, अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार इसको रीअरेंज करना है और बताना है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो देखो गुरुजी वी ओ तो सब में है, यहां देखो वाई है, यहां देखो यू है ना, वाई है, फिर यू है, फिर देखो गुरुजी एल है यहां पर, मतलब ये तो अब आना नहीं रहा भाई, वाई और यू तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर एल मिल गया और यहां पर भी एल मिल गया, यहां देखो यू है और यहां पर एम है, मतलब सर जाहिर सी बात है पहले नंबर पर हमारा वोल्ट मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहले नंबर पर वोल्ट मीटर आएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वोल्ट मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, नमस्ते बच्चे, चलिए ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है, इतने इसमें पता है क्या लॉजिक लगा, इसमें ये लॉजिक लगा कि सारे के सारे वर्ड की जो शुरुआत हुई है ना ये वोवेल से हुई है, ये सारे के सारे वर्ड की शुरुआत वोवेल से हुई है, देखो ई,
यहां देखो आई, यहां देखो ओ, यहां देखो ई। तो इस क्वेश्चन में सी वोवेल नहीं होता, सी वोवेल नहीं होता, एफ वोवेल नहीं होता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हो गई बात? तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल पैटर्न था क्वेश्चन का, जिसमें आपने क्या लॉजिक लगाया, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया कि सर जो पहला लेटर है ना, पहला लेटर जो है सर वो वोवेल से शुरू हो रहा है, ये ई वोवेल है, आई वोवेल है, ओ वोवेल है, ई वोवेल है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में दूसरा वोवेल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। ईडीसी, क्या ईडीसी फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा? ईडीसी, फिर लिखा बच्चे जी एच आई, क्या लिखा? जी एच आई, फिर लिखा एम एल के, क्या? फिर लिखा बच्चे एम एल के, फिर लिखा ओ पी और क्यू, क्या? ओ पी और क्यू, फिर लिखा यू टी और एस, यू टी और एस। सोचो क्या लॉजिक लगाया है इसमें, सोचो सोचो जरा क्या लॉजिक लगाया है। तो देखो जी पांच, ये देखो सात, फिर देखो ये तेरह हो गया, फिर देखो ये पंद्रह हो गया, फिर देखो ये इक्कीस हो गया। मतलब बात समझ में आई? पांच से सात हो रहा है, या तो ऐसे कर लो, ये देखो तीन चार और कितना पांच, इधर देखो यहां पे सात आठ और ये कितना नौ, इधर देखो ग्यारह बारह और कितना तेरह, ये देखो बच्चे पंद्रह सोलह और कितना सत्रह, यहां देखोगे तो उन्नीस बीस और कितना इक्कीस। कुछ बात समझ में आ रही है सर? देखो तीन चार पांच छह को छोड़ा सात आठ नौ, दस को छोड़ा ग्यारह बारह तेरह, चौदह को छोड़ा पंद्रह सोलह सत्रह, अट्ठारह को छोड़ा उन्नीस बीस इक्कीस, तो बाईस को छोड़ो और सीधा लिख दो यहां पर तेईस चौबीस पच्चीस, तेईस चौबीस पच्चीस। डब्ल्यू एक्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डब्ल्यू एक्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डब्ल्यू एक्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बहुत बढ़िया, चलिए जी। अच्छा एटीट्यूड गर्ल, आपको भी पैसा मिल गया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारा जो चैनल है ना उस पे आया कीजिए, ज्ञान हब वाले पे, ठीक है, रोज रात को साढ़े आठ बजे, वहां पर प्राइज मनी आपको दी जाती है इंस्टेंट। देखो जैसे तीन लोगों को आज दिया है हमने, ठीक है, चलिए चार लोगों को आज दिया है। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। कुछ पेड कोर्सेज भी हैं हमारे अनअकैडमी प्ले स्टोर पर, जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसमें आपके लिए कुछ पेड कोर्स भी लाया गया है, ठीक है बच्चे, तो आप उस पेड कोर्स को देख लो। जैसे कि प्रारंभ बैच है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का, कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें मेरा रेफरल कोड ADK10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखिएगा बॉबी सर और हमारा बच्चे, बॉबी सर और हमारा कंप्लीट कोर्स भी है। इसके साथ ही साथ आर ओ ए आर ओ और उन्नत बैच से जुड़ सकते हैं लेखपाल के लिए। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का कोर्स है हमारे सामने, यूपी पुलिस और लेखपाल का आप रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं सिर्फ इस फी के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा ऑफ तो खत्म हो चुका है, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर इतने एग्जाम्स की तैयारी होती है और ये है सब्सक्रिप्शन की प्राइस, ठीक है। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर ADK10 को अप्लाई कर देते हैं तो आपको इस फी में भी मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। यूपीपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी भी आप एक साथ कर सकते हैं कॉम्बो कोर्स को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो चलो जी अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जाते जाते सेशन को एक बार लाइक कर देना, फ्री स्पेशल क्लासेस से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम यूपी मंत्रा टेलीग्राम चैनल है हमारा, और क्लास को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। इसलिए जल्दी छोड़ दिया क्योंकि तुमसे 150+ मांगा था, तुम सिर्फ और सिर्फ 115 बच्चे गए और वापस आ गए, तो दिल थोड़ा सा टूट गया। खैर कोई बात नहीं, कल की क्लास में उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे, और कल की क्लास में भी हम यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर परसों से हम नए चैप्टर्स की शुरुआत कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या हो गया सर? मुझे 200 मिले हैं सर दिव्या डागर, क्या बात है बच्चे, ग्रेट। तो बस आप लोग करते रहिए अच्छे तरीके से और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल।